राजधानी रांची में सर्दी दस्तक दे चुकी है। बाजार भी ठंड के कपड़ों से सज चुका है। लालपुर स्थित पताला बाजार भी सज चुका है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रानी गुप्ता ने। लोगों को साल स्वेटर और जैकेट की याद आने लगती है। बता दो कि इस वक्त हम राजधानी रांची के लालपुर स्थित पोताला बाजार में आ चुके हैं, जहां पे आपको ठंड की से जुड़ी सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी। चाहे हम स्वेटर की बात करें या फिर जैकेट की बात करें, तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। और आपको बता दूं कि दो साल के बाद फिर से जब ये बाजार लगी है तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा रौनक भी देखने को मिल रही है। इस वर्षों से ये यहाँ पर राजधानी रांची के पोताला बाजार में शॉप लगाती है। वर्षों से आप लगा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, 45 साल से। 45 वर्षों से। हाँ, क्या कुछ खास रहता है आपके पास? बहुत अच्छा क्वालिटी चीज है, नया नया डिजाइन आता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग ऑर्डर देके पहले से बहुत महीना पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उस बार बार जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना। सो से आप यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? कैसा लगता है हर वर्ष आप जब यहाँ आती है, रांची आती है तो? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, दो साल के बाद फिर से कोरोना काल के बाद आप दुकान लगाई हैं, तो क्या कुछ उम्मीद है इस बार कैसी बिक्री होगी? उम्मीद तो है अच्छा बिकेगा, लेकिन अभी परसों से थोड़ा कम हो रहा है। लेते हैं कि किस टाइप का स्वेटर आया है इस बार, नए कलेक्शन में क्या है? नया डिजाइन है, जैसे ये है, ये क्रॉप में डिजाइन नया है, इसमें ये नया है। पिंक तो लड़कियों को काफी पसंद। हाँ हाँ हाँ, हाँ बहुत सारा है। अच्छा, क्या रेंज से शुरू है? रेंज 620 से शुरू ऊपर। जब बाजार है फिर से वापस से ठंड की बाजार सजी हुई नजर आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। एक्चुअल में मैं नागपुर से हूँ और यहाँ पर जैसे पता चला कि तिब्बती लोगों का ये लगा हुआ है बाजार, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ और आके मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल है, रेंज भी अच्छी है, अच्छी खास। जब शुरू होती है तो ठंड का एहसास होने लगता है और हम बस भागे चले आते हैं, रुक करते हैं बाजारों की और बाजारों की रौनक की ओर। कैमरा मंटू के साथ रानी गुप्ता, न्यूज़ इन भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।